نحمده ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في القران المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن فأت الذكر سيذكر من يخشى बल अश्का محترم ان شاء الله العزيز आज के जुमे के खुतबे का जो अनवान मुंतखब किया गया है वो है, नसीहत कौन कबूल करते हैं इनशालाजीज आज की इस निश्चित में मैं और आप अपना अपना मुहासेबा करें इनशा और अपने अमलों की इस्लाह की तरफ नज़र रखें और अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह कुरान मजीद में नसीहत के ताल्लुक़ से जो बातें बयान की हैं उन पर तवज्जो रखें और मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानने और मानने वालों के लिए जो पैगाम दिल नशीन दिया है उस पर भी नजर रखें उसके बाद सोचें कि कहीं मैं और आप मुगालते की ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे कहीं मैं और आप गफलत की ज़िंदगी में तो नहीं हैं कहीं मैं और आप अल्लाह को नाराज़ करके तो ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे कहीं मैं और आप धोखे की ज़िंदगी में तो नहीं पड़े हुए हैं कहीं मैं और आप अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं कि हम अल्लाह को भी मानते हैं रसूल को भी मानते हैं लेकिन करते वो सब कुछ हैं जो मेरे नफ्स में आता है मेरी मनमानी में आता है गौर करने की बात है जीजान मोहतरम कलामुल्ला ला मजीद आओ आज उन और आंख को पलटते चलें उन वाकयात को सुनते चले जो साहबा कराम के साथ हुए और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानने और मानने वालों को सही दिशा और रास्ता बताया था गर्ज कहने का मकसद यह जीजान मोहतरम हर जुमा मसाजिद में जहां तोहहीदों किताब सुन्नत की बात होती है उन मसाजिद के अंदर खुतब जुमा के बाद जो सूरतों का इंतख्य किया जाता है दो रकात के अंदर बड़ी ही तरतीब तरतीबाद सूरतें और बड़ी ही नसीहत वाली सूरतें हमने कभी गौर नहीं किया इन बातों के ऊपर हमारी तो एक आदत पड़ गई है कि आओ बैठो सुनो जैसे ही न सलाम फेर दिया जाए फिर से दुनिया के अंदर मशगूल होकर के रह जा रहा जाए कि हमने अपना जिंदगी का वतीरा बना लिया है तरीका बना लिया है जिसके बुनियाद पर आज उम्मत मोहम्मदिया वो सवाल पजीर हो गई जिसकी इंतहा कोई नहीं बता सकता जानने वाले और मानने वालों ने दानों ने इस बात को लिखा जिन हालात से उम्मत मोहम्मदिया आज गुजर रही है ऐसे हालात तारीख में कभी सुम्मत पर नहीं आए थे आज क्या माजरा है क्यों ऐसा हो क्या रहा है जबकि अल्लाह बहदहूला शरीक ने क़लामुल्लाह पुराने मजीद को खोल खोल कर बयान कर दिया आओ जरा देखते हैं कि जुमे के दिन और ईदेन के मौके पर यह दो सूरतों का इंतखाब आकर हुआ तो क्यों क्या कहा गया इन सूरतों के अंदर बताया यही गया कि मिया जो खुतबा तुम सुनते हो जिन बातों को तुम समागत करते हो जिन वाकयात को तुम्हारे सामने नमाज से पहले अहकामत को नसीहतों को रखा जाता है उनको हूबहूब मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहिए हमारी तो आदत पड़ गई है आदतन रसमन हुक्मन हमारे पास से जहन खत्म हो गया तभी तो यह उम्मत जवाल पजीर हो गई अल्लाह ने कहा सुर आला में अभी हमने खुतब मसूना के बाद जिन आयतों का जिक्र किया है और जिन आयतों को आज के खुतबे के लिए मुंतकब किया है चार पांच आयतें बड़ी ही वलवला अंगेज और खतरनाक हैं। सबसे पहले इसको सुनकर फिर आज की बात को हम शुरू करें तो बेहतर रहेगा

आप लोगों को नसीहत करते रहिए अल्लाह वक्त उस जाते गिरामे से बढ़कर कोई अच्छी नसीहत करने वाली दुनिया में शख्सियत भी है यकीन है हमारा कि आदम आदम की औलाद के अंदर नबी जैसा इंसान कभी ना पैदा हुआ था ना कभी पैदा होगा एक आला नुमाया शख्सियत को अल्लाह ने पैदा कर दिया जिसके बारे में अल्लाह ने वाजे करके बताया कलाम्ह कुरान मजीद के अंदर इमरान की आयतम एक सौ उनसाठ में अल्लाह कहता है कि हाई मोहम्मद सल्हसम आप नर्म दिल हैं नर्म गोशा रखते हैं जबान से अच्छे अल्फाज निकालते हैं तभी तो लोग आपके करीब आते हैं आपकी खुरबत इख्तियार करते हैं अगर आप तेज मिजाज या दिल के तंग अगर होते सख्त मिजाज अगर आप होते तो कोई आपके पास करीब आने वाला नहीं होता से ज्यादा बात अल्लाह ने और क्या बयान करनी थी अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद आप लोगों को नसीहत करते रहिए गर्चे के नसीहत कुछ फायदा दे सके अल्लाह अकबर क्या बात बताई अल्लाह ने फिर अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने कहा सुरे आसीन की आयत नंबर ग्यारह में अल्लाह अला ला शरीक ने कहा कि सल्लल्लाहु मोहम्मद वसल्लम आप लोगों को नसीहत कीजिए डराइए बताइए उन लोगों को जो गैबाना खुदा से डरते हैं आज हमारा मिजाज चार लोगों में जब बैठेंगे तो तीनदारी बताएंगे अकेली जिंदगी जब होगी तो पता चलेगा कि मियां कितने दीनदार हैं आज तो उम्मत मोहम्मदिया का तरीकार यही रह गया दीनदारी को बनावटी तौर पर बनाकर लोगों के सामने पेश करने की आदत मुझे और आपको पड़ गई अकेले में खुदा से डरना है अकेले में खुदा से जो में खौफ खाना है कि रब मेरा देख रहा है मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं और इसकी बास परस और पकड़ मुझसे जरूर होने वाली है कहां है कौन सोचता है आज तो मामला हमारा और आपका कुछ और है दोस्त की शादी थी हाँ नमाज तो पढ़ना जरूरी है भाई जिक्र करना जरूरी है भाई कुरान पढ़ना जरूरी है भाई लेकिन दोस्त की दोस्ती भी तो अपनी जगह है भाई की रिश्तेदारी अपनी जगह है खानदान की मोहब्बत अपनी जगह है अब बस थोड़ा सा वो बोली में का हार ला लिया था उसमें जरा सा मैं भी अपना जो है ना रस बता दिया चल गया क्या इतनी भी बात में पकड़ होगी क्या अस्त रबी आपने नसीहत को लिया ही नहीं आपने नसीहत को समझा ही नहीं नसीहत ही के जरिए से आदरा मैं आपको बताऊं आगे चल करके अल्लाह ने कहा फाइना फातिरोज करो मैशा डरते वही है नसीहत से कबूल वही करते हैं नसीहत जो अल्लाह से डरने वाले हैं खशिया अल्लाह से खौफ खाने वाले लोग अल्लाह से डरने वाले लोग नसीहत कबूल करते हैं थे जन्श अल्लाह अकबर इस आयत में आ गए मैं और आप हमने कभी तवज्जो नहीं दी ना आयतों की तरफ घर में पढ़ो इतमान से पढ़ो तर्जुमा निकाल का सूर्य अला का बात समझ में आएगी कि हालात क्या है और मैं कर क्या रहा हूं मेरी तबाही का जरिया क्या बन रहा है अल्लाह ने कहा नसीहत से बेगरत लोग बे लोग नसीहत कबूल नहीं करेंगे अल्लाह अकबर जरा गौर करो इतनी बातों की नसीहत हो रही है एक साल में पचास तुम्हें बुलाकर नसीहत की जा रही है एक साल में पचास इतवारों को बुलाकर नसीहत की जा रही है कुरान की अहदीस इस कौम के सामने बिखेरी जा रही है लेकिन यह कौम है कि जरा से भी सुधरने का नाम नहीं लेती जो बेगरत होता है वही नसीहत कबूल नहीं करता अल्लाह कह रहा है ऐसे जो नसीहत कबूल नहीं करने वाले लोग हैं खतरनाक बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा जो नसीहत कबूल नहीं करेगा इंसान बातों को सुनने के बाद हाँ भाई जरूरी है खुरान का हाफिज बनाना लेकिन बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा तो खाएगा क्या हाँ भाई जरूरी है मस्जिद की खिदमत करना लेकिन बच्चा कॉलेज को जाकर छोड़ करके कैसे खिदमत करेगा अरे जरूरी है भाई नबी की हदीस समझना लेकिन इंग्लिश नहीं बोलेगा तो हदीस का क्या फायदा होगा रब्बी आज हमने तमाम तर नसीहतों को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए पैरों तले रौंद कर रख दिया कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है अब अगर ज्यादा ही अगर नसीहत किए तो एक जुमला आ गया शैतानी मुसलमानों के पास अरे भैया अभी तभी न को डर तुम्हारी खबर का जवाब तुम दे लेते मेरी खबर का जवाब मैं दे लेता हूं मेरे बारे में पूछ रहे क्या अल्लाह तुम्हारे से अस्त ये शैतानी जुमला है क्या बिठा के नसीहत करने का मकसद ये है क्या आपके बारे में मुझसे पूछा जाएगा मेरे बारे में आपसे भी पूछा जाएगा पूछा जाएगा अल्लाह कह रहा है कि जो नसीहत कबूल नहीं करता बेकरत आदमी होता है हम ऐसे इंसान को एक ऊंचाई वाले मुकाम पर ले जाकर जहन्नुम में फेंक देंगे आप सोच लो अच्छे तरीके से मैं और आप कि कितनी नसीहतों को हम कबूल कर रहे हैं कितनी नसीहतें हम ले रहे हैं कितनी नसीहतों पर कारबंद हो रहे हैं कितनी नसीहतों को अमली जामा पहना रहे हैं सुनना अलग बात है कानून की अयाशी है ये सुनना अलग बात है आप सुनते चले जाओ कुछ होने वाला नहीं है पूरी जिंदगी सुन लो पूरा कुरान सुन लो पूरी अहदीस सुन लो आप नबी की सीरत मुबारिका साहबा के वाकयात सुन लो लेकिन उनको नसीहत समझकर अपनी जिंदगी में अगर मैं नहीं लाता तो मैं नापिकार हूं मैं गुनहगार हूं मैं बेगरत इंसान हूं फिर अल्लाह ने कहा जब जहन्नुम में डाल दिया जाएगा फुम माला यमू तुफीहा वाला ना वो जहन्नुम के अंदर वह इंसान जी सकेगा ना मर सकेगा उसकी जिंदगी को हम अजीरन करके रख देंगे अल्लाह अकबर किसने कहा यह किसने कहा खालिक कायनात मालिक अर्जो समा जिसने हमें अशरफल मखलूात बनाया जिसने आंखों के अंदर कभी बैटरी नहीं लगाई के चार्ज करे तो ही नजर आएगा जिसने दिल को दिल की जगह रखा दिमाग को दिमाग की जगह रखा पैरों को पैरों की जगह रखा हाथों को हाथों की जगह रखा नाक को नाक की जगह रखा हर शय नुमाया तौर पर अल्लाह ने शाहकार बनाकर कहा तुम जाओ पूरी मखलूक़ात के अंदर तुमको मैंने आला व रफा बनाया तुम अशरफल मखलूक़ात हो वो खाली कायनात बार बार सूर्य फातहा की अलीफ से नास के सीन तक नसीहत 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 हर जगह नसीहत लेकिन कबूल कौन कर रहा है आओ जरा देखते हैं आज के निश्चित में मैं और आप जिन्होंने कबूल कर लिया उनका दर्जा क्या हो गया और जिन्होंने कबूल नहीं किया अल्लाह ने उनके साथ का ऐसा इंतकाम लिया और आज वही इंतकाम मेरे और आपके साथ भी चल रहा है आज वक्त है मेरे और आपके पास कि ये दुनियादारी की फिक्र को 99% खत्म कर जरूरत के लिए दुनिया थी हमने दुनिया को मकसद बना लिया सिर्फ जरूरत ही है दुनिया जिसम ढांपना है कपड़े की जरूरत है मेरे आका ने बता दिया कि आखिरत में तुमको मौत के वक्त छोड़कर क्या जाना है सिर्फ दो जोड़े मेरे नबी के पास एक जैब तन किया हुआ एक रखा हुआ इससे ज्यादा कुछ नहीं था हाँ नसीहत के तौर पर नबी ने आखिरी वक्त में जब इंतकाल हुआ नबी का और फिर साहबा ने सामान को टटोला तो उसमें मिलता यही है कि एक जोड़ा रखा हुआ है और साथ में एक तलवार रखी हुई है बता दिया दी विरासत में क्या छोड़ना है तुम ये नहीं छोड़ते तुम छोड़ते हो तो बंगला छोड़ते हो बाद में जोरू बच्चे लड़ लेना भाई भाई लड़ लेना ना इंतफाकिया पैदा होना अदालत पुलिस कचहरी होना खानदान की बदनामगी होना तुम यह छोड़ते हो तुम जायदाद जेवरात छोड़ते हो ताकि बाद में लोग लड़ ले मेरे बाद तुम यह छोड़ते हो नबी की नसीहत को मैंने और आपने भुला दिया अलमारी का दरवाजा जैसे ही खुला कपड़ों की इतनी अंबार हो गई कि जगह नहीं है सारे के सारे कपड़े नीचे ढलक कर गिर रहे हैं उसके बाद ये ख्वाहिश है कि नहीं भाई जरा नया आया था बना लो तो बेहतर है नसीहत 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 कौन कबूल कर रहा है नसीहत आओ अल्लाह बह दहू ला शरीक लहू ने तौर पर कुल्ले तौर पर बता दिया कुरान के जरिए से कि क्या चीज है जो तुम्हें नसीहत कर सकती है कौन सी किताब कौन सा मकसद जिसको पूरा करना है और कौन सी किताब है जो तुम्हें कामयाबी दिला सकती है अल्लाह वाह ने सूरह कमर सूरा नंबर चौपन आयत नंबर सत्रह बाईस बत्तीस और चालीस चार आयतों में नसीहत की बात की बगैर जैर जबर के अल्लाह ने कितना रफीक है कितना शफीक है मेरा रब एक मामूली से नुतबे से पैदा होने वाले अपने बंदे के लिए बेहतरीन फ़कायम कर दी कुरान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तहकीक के ए लोगो हमने इस जिक्र को कुरान को लोगों की नसीहत के लिए आसान करके उतारा भेजा है बस तुम में से कोई है जो इस कुरान से नसीहत हासिल करे आह कितनी प्यारी बात मेरे रब ने कही कि कौन है कुरान से नसीहत हासिल करने वाला और हर वक्त तुम्हें हर जुमा तुम्हें हर इतवार को तुम्हें कुरान के जरिए से नसीहत की जाती है जो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं वो नसीहत को कबूल कर लेते हैं जिनके अंदर हमानियत हो फिरोनियत हो नमरूदियत हो अबू जहरीत हो अबू लह बनते हो उतबा शिबा वलीद बिन वगैरह अगर बनना चाहते हो तुम तो फिर नसीहत सुनो और एक कान से निकाल कर कहो कि भाई अब नहीं हो सकता जरा ये भी कर लेने दो एक आने के बाद में करेंगे अस्तक रब्बी हमने इस उम्र में आने के बाद भी कई नौजवानों को अपने हाथ से दफन कर दिया उसके बावजूद हमारे अंदर नसीहत देने का जज्बा पैदा नहीं हुआ हम समझ रहे हैं कि बूढ़ों को ही मौत आती है हमारे जहन में है कि बाल सफेद होने के बाद मौत आती है हम समझते हैं कि हड्डियां कमजोर होने के बाद मौत आती है लेकिन हमारे सामने हमने कई नौजवानों के जनाजे उठाते हुए उठते हुए देखे बेहतर यह है कि अपने आप को खालिक़ खाली कायनत मालिकमा के हवाले कर दिया जाए जिसके कब्जे कुदरत में तमाम कायनातों की जान है जो कुन और फ़ैकन का मालिक है जो हयुल हुयलोम का नारा बुलंद करता है जो लाता खुजो हू सीनतों वाला नाम के ज़रिए से मुझे और आपको नसीहत और करता है और समझाता है हमने उस कुरान को छोड़कर दुनियावी और मादी जिंदगी में ऐसे मुलविस कर लिया कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें आज भी वक्त है आज भी वक्त है मेरे और आपके पास कि नसीहतों को कबूल किया जाए और कमाल की बात है कमाल की बात है रिजान मोहतरम जिस मजहब पर मैं और आप चलते हैं मजहब इस्लाम जिस दीन पर मैं और आप चलते हैं दीन इस्लाम इतना बेहतरीन और प्यारा है जिसको दिल की गहराइयों से नापने की जरूरत है जिसको दिमाग और दिल की दोनों जज्बात को मिलाकर उसको तय करने की जरूरत है कि अल्लाह ने कैसा प्यारा मजहब मुझे दिया है मुझे जरा बताए बताइए आप कि दुनिया का ऐसा कौन सा मजहब है जो हर आठ दिन में एक मरतबा बुला कर लोगों को कुरान के जरिए से नबी की सीरत के जरिए से साहबा के वाकयात के जरिए से डराता हो समझाता हो नसीहत करता हो दुनिया में कोई मज़हब नहीं मिलेगा आपको हिस्से कहानियाँ जरूर मिलेंगे अजीब अजीब से गुफ्तगु जरूर मिलेंगी लेकिन नहीं अगर मिलेगा तो नसीहत का माहौल नहीं मिलेगा सिवाय इस्लाम के और कुर्बान जाइए नसीहत करने के लिए इस्लाम ने वो दरवाज़े खोले मेरे और आपके आका मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने उसूल और जवाबित बताए मेराज में रब ने बुलाकर नमाज की फर्जियत का हुक्म दिया आज तक हम लोग यही सुनते आए कि हाँ भाई पांच वक्त की नमाजें फर्ज है पांच वक्त की नमाजें पढ़ना चाहिए न पांच वक्त की नमाजें ही है छह नमाजें नहीं हो सकती हमने तो यही तय करते हुए आए लेकिन हमने इसकी एक जो है ना तरीक़ेकारसूल पर इसके उसूल पर हमने कभी जो है ना नजर नहीं डाली आओ इल्म ने बड़ी बेहतरीन बात लिखी और कहा कि पांच वक्त की नमाजें क्यों फर्ज की गई आखिर क्या लाह तुम्हारी इबादत का मोहताज है क्या अल्लाह तुम्हारे सजदों का मोहताज है क्या तो तु, अल्लाह तुम्हारे सुबह अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का मोहताज है हर किस नहीं अजीजा ने मोहतरम हर किस अल्लाह मोहताज नहीं है कलामुल्ला ने इस बारे में बड़ी बेहतरीन बात कही और कहा क्या इंसानो तुम जरा गौर करो तुम सारे समंदरों को इंक इनक बना लो और तमाम दरख्तों को झाड़ों को काट के खलम बना लो और हमारी तारीफ में लिखने के लिए बैठो अल्लाह कह रहा है कि तुम हमारी तारीफ में लिखने के लिए बैठो तुम्हारी वसी यही वह इन समंदर का पानी सूख जाएगा तुम्हारे दरख्त के बनाए खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम हमारी शान में एक बढ़ के नहीं लिख सकते वो खालिक कायनात वो मालिक है वो खालिक कायनात नबी के जरिए से उसूल बताया है और कह रहा है पांच वक्त मस्जिदों में हाजिर होना है इसमें भी एक नसीहत का पहलू है हमने गौरव फिक्र नहीं किया फजर में हम हाजिर हुए अपने रब को ना, जो है राजी किया और नमाजें हमने पढ़ी अल्लाह का स्कार हमने किया और जब मस्जिद से निकले तो दुनिया में मामलात में आ गए झूठ भी बोल दिया गुनाह भी कर दिया निगाहों का जिना भी हो गया किसी को धोखा भी दे दिया लेकिन अल्लाह मौका दे रहा है कि जोहर की नमाज में आ जाओ और सर में रख अल आला अल्लाह मैंने गलती कर दी है मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह मैंने झूठ बोला है अल्लाह अल्लाह मैंने धोखा दिया है अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूँ मेरे गफर तू इस सजदे में सर को जाने को पसंद करता है अल्लाह मैं तेरी ही तारीफ बयान करता हूँ मैं दुनिया की तरफ पलट कर नहीं देखता मुझे मालो जर से कोई मतलब नहीं है मुझे खाने पीने से कोई मतलब नहीं है मैं तारीफ के अंदर आ गया हूँ मेरे अल्लाह जब बंदा सजदा करता है और रब्बी अल-आला कहता है तो अल्लाह अहले इल्म लिखते हैं कि अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह वाहो ला शरीक लहु फजर से जहर तक के दरमियान में जो गुना हुए थे अल्लाह उसे माफ़ कर देता है आह है इससे अच्छा मजहब को दुनिया में यह सिखाने वाला अल्लाह की बंदगी करवाने वाला अल्लाह के घरों की तरफ दौड़ दौड़ कर आने का सलीका सिखाने वाला अल्लाह के नबी पर दरूद भेजने का सलीका बताने वाला दुनिया में कोई नहीं है जिदान मोहतरम अल्लाह का शुक्र मनाइए कि आज मैं और आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी इस्लाम के मजहब में पैदा करके दीन जे दिया हमें और ऐसा उसूल और सवाबित दिया और सबसे अहम तरीन बात यह है कि करोड़ों करोड़ों दरोधो मेरे नबी के ऊपर ऐसा बखलाक नबी मुझे और आपको अदा किया जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ह वसलम हमने आपको अखलाक के बुलंदे पर फायस किया है अरे करो तो हर नबी ने इस नबी के आने की जो है ना बशारत दी और इंतज़ार करते रहे कि हमारी नबूत के ख़त्म होने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो सकती है लेकिन हुआ नहीं आखिरी में अल्लाह ताला ने ईसा तीसा सलातम की दुआ को कबूल कर लिया और ईसा की दुआ को अल्लाह ने कबूल करके कहा अरे ईशा तेरी दुआ को कबूल किया जाता है अब हम तुझे आसमान पर उठाते हैं लेकिन जब दुनिया में तुझे दोबारा हम भेजेंगे तो अब नबी बनाकर नहीं नबी उती बनाकर भेजेंगे ईसा ने नबुवत को ठुकरा कर नबुवत को छोड़कर रिसालत को छोड़कर तमाम बातों को छोड़कर ईसा सलातो व सलाम ने दिल की गहराई से यह यकीन कर लिया था कि मैं नबी बनना नहीं चाहता मुझे उम्मती बनना है तो उम्मती का मैार नबी से भी ज्यादा कर दिया अल्लाह ने वो है औरतें मर्द जवान और बूढ़े लेकिन क्या हमारे अंदर जज्बा है क्या हमारे अंदर नबी की मोहब्बत है क्या हमारे अंदर इस्लाम से मोहब्बत है क्या हम डरते हैं कलाम अल्लाह कुरान वजी से किस नहीं है महतरम हमारा बचपन था उस वक्त में घरों से कुरान की आवाज़ आती और अगर कोई दुकान या किसी चीज़ का अगर अगर होता तो उस इफ्तः से पहले कुरान की तिलावत की जाती कुरान को लगाया जाता कुरान को लोगों को सुनाया जाता लेकिन आज मामला यहाँ तक हो गया कि जहाँ कहीं आप देखो किसी होटल का अफ्तः हो किसी दुकान का अफ्तः हो किसी जो है ऑफिस का अफ्ता हो वहाँ पर हमें खवाली ज़रूर सुनने को मिलेगी हमें वहां पर बेकार की बातें सुनने को मिलेगी नहीं सुनने को अगर कोई मिलेगा तो कुरान नहीं सुनने को मिलेगा आज मामला हमारा आपका ये हो गया है क्या कुरान से नसीहत करने के अल्लाह ने बात की हमारी नसीहत के लिए कुरान को भेजने के अल्लाह ने बात की लेकिन वही कुरान को मैं और आप जूसदान में लपेट कर करता में रख दिया कसम खाने की जरूरत आई झूठी तो कुरान तावीज और गंडे पलीते लिखने की जरूरत आई तो कुरान घोल के पीने की बारी आई तो कुरान कुरान इसलिए नहीं आया था कुरान नसीहत के लिए आया कुरान समझाने के लिए आया कुरान बुराइयों से रोकने के लिए आया कुरान अच्छाइयों को करने के लिए आया कुरान जहनुम से बचने बचाने के लिए आया कुरान जन्नत का मुस्तक बनाने के लिए आया कुरान नबी का दीदार करवाने के लिए आया लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वह कुरान हमारे घरों से गायब हो गया हमारी तिलावत से गायब हो गया हमारी नजरों से गायब हो गया हमारी नसीहत से गायब हो गया उसके बावजूद ये उम्मत चल रही है तो दज्जाल के शिकार तो बनने बनना है जुल तो तुम पर होना ही होना है आओ, देखते हैं कि जिन्होंने नसीहत कबूल की उनका मुकाम मर्तबा, दर्जा क्या है और जिन्होंने नसीहत को ठुकराया जाने अनजाने में तो अल्लाह के नबी ने कैसी वकीद उनके लिए सुनाई गौर करके जाना जिसने महतरम और करके जाना आज के बाद अपनी जिंदगी में इनके खिलाफ लाने की कोशिश करना नबी की मोहब्बत दिल की गहराई से होना है या अंगूठों से नहीं होना है जब से नबी की मोहब्बत अंगूठों तक आ गई हमसे नबी की मोहब्बत दिल से ख़त्म कर दी गई मोहब्बत तो यहाँ से थी मोहब्बत तो अमल से थी मोहब्बत वरुद तो से थी लेकिन कहां है कौन करता है नबी से मोहब्बत कौन करता है नबी से मोहब्बत आओ जरा देखते हैं कि नबी की रिसालत से पहले नबी की नबुवत से पहले माहौल और हालात क्या थे और फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने जब नसीहत की उन लोगों को जो भटके हुए थे जो है राह राहराज से हटके हुए थे और जिनके पास मूर्ति पूजा भी आ चुकी थी जिनके पास नजरों नियास गलत तरीक़े के आ चुके थे वो कौम के सामने जब नसीहत की बात करते हैं मेरे और आपके आका महम्मद अलैहि वसल्लम तो जिन्होंने ले लिया उनके लिए बशारतें सुनाई गई और जिन्होंने ठुकराया उनके लिए वह दर्दनाक अजाब तैयार किया गया आओ ज़रा देखते हैंबी सल्लाम ईसा सला तो के गुजरे हुए आसमान पर उठाए जाने के 570 या बहत्तर साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर पैदा होते हैं अब्दुल मुतलब के घर मायानाज घराना था वो भी एक और काबे की मुतवली जो थे अब्दुल मुतलफ दादा थे आपके पैदा हुए वक्त गुजरता रहा हालात बदलते रहे और जवानी में कदम रखा और खतज अल कुब्रर्जी अल्लाह तला से पहला निकाह हुआ और वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा चालीस साल की उम्र में अल्लाहद शरीक ने मोहम्मद सल असलम को नबी और रसूल बनाया अब यहां से एक नए बाब का आगाज होता है एक नया इनकलाब आता है मक्के की सरजमीन पर और ऐसा इनकलाब आया कि वह इनकलाब की रफ्तार को आज पूरी दुनिया मिलके भी नहीं रोक सकती वह ऐसा इनकलाब आया कि पूरी दुनिया यह लिखने पर आ गई ऐसी शख्सियत को अल्लाह ने पहली मरतबा पैदा किया अब यह पैदा होने वाली नहीं है और उसका एक नजारा देखकर अब बात आगे बढ़ती है अरे तुम तारीफ करते हो नबी की तो क्या मैं तारीफ करूं नबी की तो क्या मैं तो मुसलमान हूं कर भी लू और करना मेरा हक भी है लेकिन जरा देखो एक आदमी है ईसाई ईसा सलाम को मानने वाला नबी पर ईमान नहीं रखता उसने दुनिया की सौ अजीम शख्सियतों पर किताब लिखनी शुरू की माइकल हार्ट जिसका नाम है सौ दुनिया के अजीम शख्सियतें किताब लिखना शुरू कर दिया जब किताब शुरू करता है तारीख को मालूम करता है सलाम के कारनामे क्या हैं मूसा के कारनामे क्या हैं और दूसरे जो दुनिया में मशहूर शख्सियतें गुजरी उनके कारनामे क्या हैं और मेरे और आपके आका मोहम्मद वसल्लम की सीरत मुबारक का भी मुशाह करता है आप तजुब करेंगे आप तारीफ कर दे तो कोई बात नहीं है लेकिन कोई गैर नबी की तारीफ कर दे ये बहुत बड़ा मसला है उसने ईसा सलात सलाम को अपनी किताब के अंदर पांचवें नंबर पर रखा इस किताब के अंदर जिस नंबर वन पर शख्सियत को रखा वो मेरे और आपके आका मोहम्मद अकबर वो अजीम शख्सियत के उम्मती है मैं और आप और आज मैं भी खड़ा रहूं आज मैं इस्लाम का बदनाम करूं, आज मैं मस्जिदों का वीरान करूं, आज मैं शादी भी अपनी मैं शहबाजों को रखूं, आज मैं शराब पीकर रोडों पर दम हुआ फिर और आज उस मायानास नबी का उम्मती होते हुए मैं चाकू लेकर किसी आदमी का कत्ल नाक करू अस्त रबी लाला क्या हो गया अजीजा ने मोहतरम यह सब क्यों हुआ कि हमने नसीहत को छोड़ दिया हमने नसीहत लेना छोड़ दिया हमने नसीहत को पीठ पीछे डाल दिया नफसानी ख्वाहिशात की हम पैरवी करने लगे झूठी इज्जत को हम बचाने लगे अपने आप में तकब्र और गुरूर का एक मैार हमने कायम कर लिया जब तमाम चीज़ें हमारे आरे अंदर जब आई तो हम नबी के उम्मती होने के मिजाज से दूर होने लगे खैर उम्मत के हटाए जाने लगे आज सदी जरूरत है इन वाकयात को इन बातों को जब हम सुने तो अपने घरों में जाकर अपने बीवी बच्चों में रखें अपने मां बाप में रखें अपने भाई बहनों में रखें अपने खानदान में रखें खुद भी नबी के पक्के सच्चे उम्मती बन जाए और फिर खानदान और माहौल को भी नबी का पक्का सच्चा उम्मती बना दे अल्लाह के चहीते बंद दो में मेरा और आपका शुमार हो जाए तो फिर इंशाला इस कायनात के अंदर एक नया इनकलाब का दरवाजा फिर खुलेगा इन शाह अल्लाह वादा कर रहा है नूर के अंदर अल्लाह ने कहा मुसलमानों ईमान वालों दोबारा फिर खिलाफत देने के जो है न खायल है हम तुम्हें खिलाफत दे करके रहेंगे बशर्ते के तुम्हारे अंदर यह चीजें आ जाए कि तुम नमाजों को जये करने वाले ना बनो जक़ात को पाबंदी से तुम अदा करो आपस में सिले रहमे तुम करो फिर अल्लाह तुम्हें इस जमीन का खलीफा बना करके रहेगा ये तीनों चीजें मुसलमानों के पास से खत्म हो गई और मुसलमान मरे हुए लोगों की खबरों पर झुक कर अपने बेटों को तलाश करता है जिंदगी को तलाश करता है सेहत को तलाश करता है रोजगार में बरकत को तलाश करता है वो जिंदा जावेद अल्लाह कह रहा है कि कि नहीं है कोई रिस्क का देने वाला कोई औलाद का देने वाला कोई बीमारी को दूर करने वाला कोई तुम्हारे माल में बरकत देने वाला दुश्मनों से तुमको बचाने वाला जिंदगी देने वाला मौत देने वाला जहनुम से बचाने वाला जन्नत देने वाला तुमको सुरखरू करने वाला तुमको परेशान करके परेशानी से निकालने वाला तुमको समंदरों की अंधेरों से बाहर निकालने वाला अगर कोई है तो मैं हूं कहा अल्लाह वाह शरीकू ने लेकिन यह नसीहत हमने भुला दी और आज सोशल मीडिया बता रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अरे किसी के दर पर जाकर तुम अगर तुम पूजा करना चाहते हो या झुकना चाहते हो तो याद रखना कि इस्लाम की रस्सी को अपने गले से उतार लो अपने मजहब को तुम तब्दील कर लो मुसलमान होकर अगर तुम ये काम करोगे तो फिर हम जैसे लोग इन बातों का तौुब जरूर करेंगे इन शाह हम इन बातों का पीछा जरूर करेंगे इन लोगों के खीदों को दुरुस्त जरूर करेंगे इनशाला देखते हैं पैदा हुए चालीस बरस की उम्र में जब आए तो माहौल और हालात क्या थे आज जैसे हालात उस वक्त में भी थे काबे का बरहना तवाफ किया जाता था बात बात पर तलवार निकाल कर लोगों का कतल कर दिया जाता था लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता था जो सूद का कारोबार आम हो चुका था औरतों को बाजारों में नीलाम किया जाता था हर किस्म की बुरी बुराई थी शराब को नाम बदल बदल कर पिया जाता था हर किस्म की बुराई थी जो उस वक्त के मक्के के लोगों में आ चुके थे मेरे और आप क्या खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी और रसूल बनाया गया और नबी और रसूल जब बनाया गया मेरे आखा ने आसमान से जब वही आई दिल पर तो वो पैगाम दिल नशे ले करके आए जिससे ये कौम आज बेबहरा हो चुकी है दुनिया में अगर आप गौर करके देखें तारीख का मुताल करें अदीस का मुताल करें कुरान का मुताल करें तो आपको नू अ सलातलाम से लेकर ईसा अलीसलातलाम तक जितने भी लोगों को नबत दी गई है यही कह करके दी गई है कि खुलुलाफले होन खुल्लाफले हून खुल्हा तुफले हन लोगों कह दो नहीं है कोई माबू सिवाय अल्लाह के तुम कामयाब हो जाओगे यही एक जुमले के ऊपर हर नबी को नबूवत दी गई लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद को जब रसूल बनाया गया जब नबी बनाया गया तो इन आयतों का सिलेक्शन अल्लाह ने नहीं किया बल्कि कुछ और आयतें थी जो इस उम्मत के अंदर से मिजाज खत्म हो गया ये नसीहत में और आप कबूल नहीं करते मानते नबी को जरूर है मानते नबी पर ईमान रखते जरूर जरूर है लेकिन नबी का फरमान दिल नशी क्या है उस पर मेरी और आपकी तवज्जो नहीं होती अल्लाह वाहदहुला शरीक लहू ने जब मेरे नबी को गारे हिर्रा में जिब्राइल के जरिए से वही भेजी और कहा के अब से आपको आज की तारीख के बाद से आपको आज के वक्त से बाद आपको आज के वक्त के बाद आपको दुनिया में कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं बोलेगा बाप का नाम जब आएगा तो मोहम्मद रसुल्लाह से आएगा क्यामत की सुबह तक जितने मुसलमान रहेंगे मोहम्मद रसुल्लाह आपको पुकारेंगे लेकिन रसूल बनाने के लिए अल्लाह ने जिन आयतों का इंतखा किया और किया है कभी कुरान पढ़ो तो समझ में आएगा ना कुरान को दिल में बिठाओ तो समझ में आएगा ना कुरान तो आए बै कुरान जिंदों के लिए नसीहत थी हमने मरने के बाद बुरदे के पास पारे लेकर बैठते हैं उसे कुरान सुनाते हैं पता नहीं क्या हो गया कौम को पता नहीं क्या हो गया इस कौम को यह नसीहत कौन कबूल करे गर्जीदाने मोहतरम सुबह अल्लाह मेरे नबी को जो आयतें दी गई मेरे आका को जो आयतें दी गई इल्म के तल्लुक़ से थी अल्लाह ने कहा इकरा खलक। आ, कितनी प्यारी बात इल्म के साथ साथ अल्लाह ने जो वाह तांते हैं ना जो अपनी दौलत पर फखर करते हैं ना अपने हुदों का गलत इस्तेमाल करते हैं ना अपनी ताकत और खानदान का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके मुंह पर तमाचा है ये आयत अल्लाह ने कहा नबी जाओ अपने कौम के दरमियान में क्यों इसलिए कि वह जो कौम थी मक्के की इंतहाई उज्जड़ कौम थी इल्म से ना बलत, जहात उनके अंदर भरे हुए थे अल्लाह ने कहा कि पढ़ो अलैहि वसल्लम उस रब के नाम से जिसने तुम्हें खून की एक फुटकी से पैदा किया औद याद दिला दी आज कहते हैं कि नहीं पहचानते क्या हमारे को अस्तफिरल्ला मनी का खतरा है मियाँ तुम एक मनी का खतरा जो तुम्हारे अंदर से निकल गया तुम्हारे कपड़ों में गिरा दो तुम कराहियत महसूस करते उस एक खून के फुटकी से तुम्हें पैदा किया गया अल्लाह ने औकात याद दिला दी और कहा कि इल्म हासिल करना चाहिए जरा भला बताइए सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी आके भी मैं समझता हूं वो रिपोर्ट 20 साल का रसा हो गया बीस साल का अरसा हो गया हमारे लिए शर्मिंदगी का बास थी वो रिपोर्ट यह भी नसीहत मुसलमान कबूल नहीं करता अजीब सा फलसफा है इसका सच्चर कमेटी ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज जब निकला कौन से तबके में कितने लोग तालीम याफ्ता है एस सी एस टी में तालीम मिल गई ओबीसी में तालीम मिल गई लेकिन तालीम का फुकदान अगर कहीं था जीरो परसेंट जिसमें तालीम का रुझान था वो मुसलमान कौम थी और आज भी हम क्या कर रहे हैं भाई कौन सी तालीम पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या दे रहे हैं क्या समझा रहे हैं इस कौम को अफसोस के साथ कहना पड़ता है अल्लाह ताला ने नबी को इल्म देकी आयतें देकर नबी नबूत और रिसालत के अहदे पर बिठाया कयामत तक अब नबूवत का सिलसिला भी अल्लाह खत्म कर रहा है लेकिन मेरे आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान में आते हैं और वही बात रखते हैं कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहून आओ ए लोगो अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बना दिया इल्म के जरिए से अब मैं तुम्हें डरा रहा हूं ये लाद भी नहीं चलेगा ये मनाद भी नहीं चलेगा यह हुबुल भी नहीं चलेगा ये अहज भी नहीं चलेगा ये नसर भी नहीं चलेगा ये बुतों की तुम परस्तिश खत्म कर दो एक अल्लाह को मानने पर आ जाओ अल्लाह अरब और अजम का तुम्हें मालिक बना देगा मेरे नबी नसीहत कर रहे हैं कौम को और कुछ बदखमाश लोग उस वक्त में झुके जमीन की तरफ और रेत को उठाकर मेरे आखा के नूरानी चेहरे की तरफ जो है ना डाल दिया मेरे नबी की दाड़ी मुबारक के अंदर रेत भर गई सर में रेत आ गई कुछ जालिमों ने छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर मेरे नबी के चेहरे अनवर की तरफ मारा और जब मारा

आदमी का नाम था लात और मनात ये जो है ना औरतों की खबरें थी और आज भी मुसलमानों के पास औरतों की भी खबरें आ गई जहां मुसलमान जाकर झुकता है मेरे आखाने मना किया था नहीं करने के लिए आज वहीं झुक कर के मैं और आप कहते हैं कि नहीं यह सही है भैया नहीं हो सकता यह तो उस फिरखे का आदमी है यह तो उसका इसका आदमी है अल्लाह का करम है इस सीने में दो चीजें रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का कलाम रहता है दूसरा नबी का फरमान रहता है इन सीनों को दबाना या इनके अकायद को कमजोर करना इतना आसान नहीं है बाबू तुम्हारी चाल तुम चलते रहो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा ए उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता अल्लाह ने वाजे करके बता दिया लेकिन इस कौम के अंदर कुछ अब्दुल्ला बिन उबई जैसे इब्ने लोग पैदा हो गए जो मुखाल मुना, मुनाफिकत को अंजाम देते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने ही मुसलमान भाई की मकबेरी भी करते हैं क्या होगा इससे बाबू मेरे नबी की भी मकबेरी हुई थी जब नबूवत का ऐलान किया था तीन साल तक शोबे अभी तालिब की कैद में रखा गया था लेकिन अल्लाह ने वहां से नबी के जरिए से इनकलाब पे ऐसी चिंगारी भड़काई कि देखते देखते सारा का सारा मदीना इस्लाम की आगोश में आ गया था नहीं घबराते हम कभी भी नहीं घबराते कभी अल्लाह के नाम लेवा हैं रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और यही चीजें थी जो कामयाबी की तरफ ले जाने वाली थी जिन लोगों ने मान लिया तो अल्लाह ताला ने बकर को सिद्दीक बना दिया जिन लोगों ने मान लिया उमर को फारूक बना दिया जिन लोगों ने मान लिया उस्मान को गनी बना दिया जिन लोगों ने मान लिया हजरत अली को करार बना दिया सुबह अल्लाह अब जिन लोगों ने इनकार कर दिया जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे हमारे खानदान पर चलेंगे हमारे हमको डिस्टर्ब मत करो तुम तुम्हारी तुम लेकर के चलो अल्लाह ने ऐसों को अबू जहल बना दिया अल्लाह ने ऐसों को अबू लहब बना दिया अल्लाह ने उतबा और शिबा बना दिया अल्लाह अकबर अल्लाह ने नजर बिन हारिस अखनज बिन शरीख बना दिया और ऐसा जलालत का पट्टा इनके गले में डाल दिया कि आज दुनिया में अबू जहल का नाम लेता है तो हर अदबे लानत भेजता है अबू लहब का नाम आता है तो लानत भेजी जाती है जैसे ही अब वकर सिद्दीक का नाम आता है चेहरे पे हर मुसलमान की एक तमानियत आ जाती है मुस्कुराहट आ जाती है कि हमारा खलीफा भी क्या शानदार है जो मानते हैं लोग जो नसीहत कबूल करते हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर देता है अब जब ये तबका उठा नसीहत को कबूल कर लिया और कहा कि नहीं एक अल्लाह को मानना चाहिए दूसरा जरा भी नहीं है है अल्लाह खुल्लाहद का नारा बुलंद कर दिया इन्होंने तो अल्लाह शरीक लहू ने मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब अथर पर आयतों का नजूल किया और चबराइल को भेजकर कहा जाओ जुबराइल इन लोगों ने खतल व खून गारतगिरी बंद कर दी इन्होंने एक अल्लाह होने का दावा कर दिया उसमें खड़े उतर गए इन्होंने रसूल अल्लाह की बात को मान लिया उनसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ने बेहतरीन नुकता बयान किया कुरान के जरिए से हमने कई मरतबा बयान किया है लेकिन हम गौर व फिक्र नहीं करते वो ये यूसुफ के मानने वालों ने अपनी आंखों से यूसुफ की खूबसूरती देखी तो हाथों में जुलेखा ने चाकू दी थी एक फल दिया था जब मेरा यूसुफ आए तो इन फलों को उनके सामने काट डालना लेकिन यूसुफ असलात सलाम की खूबसूरती का क्या कहना उनके चेहरे की रौनक का क्या कहना जिन औरतों के हाथों में चाकू थे यूसुफ को देखने के बाद ऐसे वो लोग जलाल में आ गए उनको पता ही नहीं चला कि हाथ में क्या काट रहे हैं उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया लेकिन इल्म ने इस पर एक बेहतरीन जुमला यह लिखा के, यूसुफ के देखने वालों ने फलों के बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया लेकिन मेरे आखा के देखने वालों ने अपनी गर्दनों को कटवाकर शहीदी का मर्तबा हासिल कर लिया अकबर वो नबी नसीहत कर रहे हैं लोग मान रहे हैं अल्लाह ने आसमान से उनको बुराइयों से बचाकर उनकी तकालीफ को दूर करके अल्लाह शरीक अलहू ने आसमान से जब्राइल से कहा जा जब्राइल हमारा पैगाम दिल नशी है बता नबी को जाकर जिन्होंने तेरह साल तक दुश्मनों के सामने सर ने झुकाया और हमारी बात और नबी की मोहब्बत में डटे रहे जिनकी पीठों को शक करके नमक भर दिया जाता था उन्होंने चीख तो जरूर मारी लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था मां सुमैया सत्तर साल बूढ़ी औरत ने अपने आप को शहीद कराना गवारा कर लिया था लेकिन दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया हाथ नहीं जोड़े थे इल्तेजा नहीं की दिमाफी नामा नहीं दिया था अल्लाह ने इन तमाम वाकयात को देखकर कहता है अल्लाह ला शरीक अलैहि वसल्लम हम इनसे राजी ये हमसे राजी अल्लाह अकबर कब होगा ये कब होगा ये बीवी को सिनेमा को भेजकर जवान बेटी को अकेले में अकेले ड्राइवर के साथ भेज देने में या जवान बेटी को 20 किलोमीटर दूर कॉलेज में साइंस की तालीम देने के लिए या जवान बेटी को जो है ना नंगी नाश डॉक्टर बनाने के शौकीन में नंगी नाश को सामने रख करके ऑपरेशन करता हुआ देखने में उसके आजा को देखने में या अपनी जवान बेटी को जो है बगैर बुरखे के कॉलेजों में भेज या अपने जवान जो है ना बीवी और जवान बेटियों को शादी ब्याह के अंदर लिपस्टिक लगाकर लालों को, होटों को सजा कर पाउडर बगर बुरखा जाकर वीडियोग्राफर के सामने छोड़ने में तुम्हें अल्लाह राजी होगा कैसे राजी होगा अल्लाह अल्लाह ऐसे ही राजी नहीं होगा पूछना कभी अल्लाह कैसे राजी होता है जिन्होंने कबूल कर लिया था कि अब जो मुसीबत आएगी झेल लेंगे सुफा है पूछना कभी अल्लाह से जिन्होंने रजामंदी का इजहार किया कहा कि रसूल अल्लाह जो मुसीबत आएगी झेल लेंगे जो परेशानी आएंगी उसे सर पे ले लेंगे लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ सकते अल्लाह का साथ नहीं छोड़ सकते ये चबूतरा नहीं छोड़ सकते ये कुरान का कानून नहीं छोड़ सकते आज तो हम बात बात पर इस्लाम की दलाली करते हैं आज बात बात पर इस्लाम का सौदा हम करते हैं कितनी बातें हैं कितनी नसीहतें हैं जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल की मेरा अबू हुरैरा जो अहदीस का लिखने का माहिर, नबी करीम वसल्लम के सोहबत में ज्यादा रहकर जो जो अल्लाह के नबी कहते जाते वो लिखते जाते जो जो कहते लिखते जाते लोग पूछे अरे क्या बात है भाई कुछ तो छोड़ो जो जितनी बातें अल्लाह के नबी कहते हैं सब लिखते हो कहा कि मुझे नबी से मोहब्बत है Allahi, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह भूख और प्यासों से परेशान है तीन चार दिन, पांच दिन आठ दिन का फाखा हो गया और चक्कर आने लगी अचानक सुफा का चबूतरा मदीने मस्जिद नबवी के अंदर है कभी जाकर के देखना उन सहाबा की याद आएगी उनकी परेशानियों को याद करोगे आज ये तमाम चीजें भुला बैठे तो नरम नरम गरम गरम मुर्गा मुगलाई डिशेस पसंद आ गए वलीमा जोड़े की रकम लेके हराम किया जा रहा उसमें तुम लोग शामिल नहीं नहीं भाई जाना जरूरी है रिश्तेदारी निभाओ भले कौन सी रिश्तेदारी निभाते तुम अब अबू बकर अबू हरे अल्लाह अकबर उस चबूतरे से नीचे उतरे खड़े रहने की ताकत नहीं है अचानक एक कदम ढालते जमीन पर गिर जाते जमीन पर गिर गए पैर हाथ रगड़ने लगे बकर का गुजर हुआ कहा के सो उमर बिन खत्ताब का गुजर हुआ कहा के उठ जाओ आखिर में मोहसिन इंसानियत मेरे और आपके आखा मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम का गुजर होता है आपने अपने साथी की कैफियत को भांप लिया और कहा कि अबू हुरैरा भूख लगी है कितने दिन का फाखा है अबू अल्लाह तआला को बात करने की ताकत नहीं मेरे आखा ने ले जाकर दूध पिलाकर नई जिंदगी दी क्या यह तकालीफ उठाई है आपने कभी कभी नसीहत को कबूल करने के लिए अपने बच्चों को दीन का दाई हाफिज बनाने की सोचा है कभी अपने घर को इस्लामी घर बनाने का सोचा है कभी अपने घर से कुरान की आवाज को बुलंद किया है कभी नसीहत कैसे मिलेगी कैसे नसीहत मिलेगी कैसे सुरखुर होंगे हम कैसा होगा जीजान मोहतरम अब जो लोग नसीहत लेने के बजाय इनकार कर देते हैं दिल में तो इनकार होता ही है अगर दिल में भी अगर इकरार होता तो हर नसीहत को कबूल कर लिया जाता हर बात को जिंदगी में ला लिया जाता लेकिन कहाँ है जरा बताइए तो सही ना अमली तौर पर हम लोग नबी की मुखालिफत करते हैं एक मजलिस में अल्लाह के नबी का गुजर हुआ जहां खाने का इंतजाम था अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को देखा गौर करना मोहतरम उस अजीम हस्ती का तस्कियारा हो रहा है शेख शादी रहमत ने एक जुमले में कहा था कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही बस खत्ता मुख्तर शेख सादी रहमत ने लिखा कि अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग शख्सियत इस दुनिया के अंदर है तो मोहम्मद इसके बाद कोई नहीं फिर अल्लाह अकबर अब उस शख्स को देखा जो बाएँ हाथ से खाना खा रहा है नसीहत की बात है नसीहत कबूल करने की बात है नसीहत कबूल नहीं करेंगे तो क्या होगा उसकी बात है वो शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की नजर उस शख्स पर पड़ी और अल्लाह के नबी ने नसीहत की और कहा कि मियां बाएं हाथ से शैतान खाता है सीधे हाथ से खाओ मोमिन सीधे हाथ से खाता है उस शख्स ने पकड़ पलट कर जवाब देकर के कहा कि मुझे सीधे हाथ से खाने नहीं आता मैं बाएं हाथ से खाने का आदि हूं जैसे ही अल्फाज निकलना था नबी की नसीहत उसने कबूल नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीज सुनाई और कहा अब तेरा सीधा हाथ तेरी मौत तक तेरे मुंह के पास नहीं जाएगा लोगों ने बाद में देखा कि वह शख्स कोशिश करता था कि कितना सीधे हाथ से खाया जाए मुंह तक कभी हाथ नहीं पहुंचा और आज हमारा मामला क्या है आजकल तो नौजवान नस्ल को एक आदत पड़ चुकी है कोई भी एक ठंडे का बाटल उठाया गाड़ी पे चलते चलते बाएं हाथ से पीता है अफसोस सद अफसोस किस नबी के उम्मती हो तुम हमारे नबी जो हम मुसलमानों के नबी तमाम कायनात में जिसने रमतमी का डंका बजा दिया वो नबी कहते हैं कि सीधे हाथ से खाया जाए सीधे हाथ से पिया जाए आज तो हमको यह भी नहीं मालूम कि चप्पल उतारते वक्त कौन से पैर से उतारना पहनते वक्त कौन से पैर में पहनना यह भी नहीं मालूम कपड़े पहनते वक्त पहले कौन सा हाथ डालना कौन सा पैर डालना यह भी नहीं मालूम इस उम्मत को बस एक लाऊ पन की जिंदगी है ये अंधी जिंदगी लेकर मैं जन्नत में जाने का शौकीन हूं यह ये कभी ख्वाहिश मेरी और आपकी पूरी नहीं हो सकती गर्ज करने का मकसद यह जी दान मोहतरम आओ इस्लाम की तरफ और एक बात जहन में आ गई तो करता चलो नसीहत का जहां तक ताल्लुक है पांच वक्त की नमाज पढ़ो बोलना एक नसीहत है वजू से रहो बोलना एक नसीहत है कुरान की तालीम सीखो बोलना एक नसीहत है चेहरे पर दाढ़ी को रखो बोलना एक नसीहत है पैंचों को टखनों के ऊपर रखना एक नसीहत है औरतें अपना जो है ना अबाया बुरका हमेशा अपने घर में डालकर रखे यह नसीहत है देवर के सामने बगैर बुरके के अपना जिसम सिर्फ सर को ठाप कर देवर के सामने बड़ी भावच का आना इंतहाई गुना करार दिया गया यह भी नसीहत है खाना खाते वक्त सीधे हाथ से खाओ यह भी नसीहत है खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्ला कहो ये भी नसीहत है किसी को धोखा ना दो यह भी नसीहत है सच हमेशा बोलते रहो यह भी नसीहत है झूठ से बचते रहो यह भी नसीहत है खबरों के पुजारी मत बनो यह भी नसीहत है पांच वक्त मस्जिदों में आ जाओ यह भी नसीहत है आपस में मोहब्बत का पैगाम दो यह भी नसीहत है नबी पर जब नाम आए तो अंगूठों को चूमने के बजाय नबी पर दरुद पढ़ो यह भी नसीहत है एक खालिक है एक मालिक है एक अल्लाह है उसी के सुपुर्द हो जाओ ये भी नसीहत है अगर ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर नसीहत तो 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 आएंगे इंशाला तो फिर देखना हमारा खोया हुआ मुकाम अल्लाह फिर से वापस जरूर करेगा ये इफरा तफरी का माहौल भी ख़त्म होगा ये इंतशार का माहौल भी खत्म हो गया एक दूसरे से मोहब्बत भी हम करने लगेंगे नफ़रतों का जो बाजार गर्भ है ख़त्म होगा और मस्जिद जो वीरान है भर जाएंगे इनशा खबरस्तान हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाएंगे इनशा ये तमाम तर चीज़ें होंगी तब मैं और आप नसीहत को कबूल करेंगे नसीहत ईमान वाले कबूल करते हैं बुरा नहीं मानना मेरी बात का हकीकत ये मैं नहीं कहता कोई बात ऐसी कुरान कहता है नबी का फरमान कहता है कि जो मुसलमान हैं जो ईमान वाले हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं जिनके सीने में कलमे की मोहब्बत है वही नसीहत कबूल करते हैं नसीहत कबूल करना हर एक के बस की बात नहीं लगती लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन एक अल्लाह पर ईमान लाओ यकीन करो तो नसीहत कबूल करने का जज्बा भी आएगा सब मुसलमान की अगर दाढ़ी बड़ी बड़ी अगर हो जाएगी इंशाला तो अल्लाह आसमान से रिस्क के दरवाजे भी खोल देगा इनशा यह चेहरों पर एक मरदान की आ जाएगी दुश्मन के दिलों में वैसे ही खौफ आ जाएगा जब हम भरी भरी दाढ़ियों को लेकर अपने घरों से अपने माहौल से अपने खानदान से अपने मोहल्ले से निकलेंगे इंशाला दुनिया में ऐसा कोई नबी नहीं था जिसने दाढ़ी मोंडी हो या मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यह नहीं कहा कि नहीं नहीं कुछ दिन के लिए जब तक जवान रहो दाढ़ी को मोड के रहना जब बूढ़े हो जाओ सफेद बाला आ जाए तो दाढ़ी रख लेना ऐसे कभी नहीं कहा फिर क्यों नहीं रखते हम लोग किस नबी को मानते हैं हम किस नबी पर ईमान है हमारा कौन से नबी को हम मानते हैं और किस नबी के जरिए से शिफात होने वाली है क्या तुम समझते हो कि आदम के जरिए से शिफात होने वाली है क्या तुम समझते हो कि नोह के, के जरिए से शिफात होने वाली है क्या तुम समझते हो कि इब्राहिम के, के जरिए से शिफात होने वाली है क्या तुम समझते हो कि ईसा और मौसा के जरिए से शिफात होने वाली है क्या तुम समझते हो कि दाऊद और इसलमान के जरिए से शिफात होने वाली नहीं 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 ये सब तो मजबूर रहेंगे ना लाचार हो जाएंगे ना मैदान हशर में सब यही कहेंगे आदम से लेकर ईसा तक नहीं नहीं भाई हमारे से कुछ होने वाला नहीं है इस तमाम इंसानियत के अंदर एक ही शख्सियत है मोहम्मद सल्लाम जो पूरे उम्मतियों की नहीं पूरे इंसानियों की शिफात का जिम्मेदारी आपके पास है जब ये चीज़ होगी तो मेरी और आपकी शिफात होगी और मैं जन्नत में जाने के काबिल भी बनूंगा अगर उनकी मुखालिफत करके जिंदगी गुजारोगे तो कुछ होने वाला नहीं लिहाजा आओ पक्के और सच्चे इस्लाम की तरफ आओ मोहब्बत भरे पैगाम की तरफ आओ अल्लाह के कुरान की तरफ पांच वक्त की नमाज़ों की तरफ नबी की आहदी से मुबारक की तरफ मोहब्बत के पैगाम की तरफ कोई नहीं रोका तुम्हें इससे कोई बिल पूरी दुनिया में पास नहीं कर सकता तलाक पर बिल हो सकता है बुरखे पर बिल हो सकता है लेकिन इस्लाम पर कोई बिल ला नहीं सकता किसी माइक के लाल के खलम में दम नहीं है इन शह क्योंकि शरीयत आसमान से आई हुई है क़ानून आसमान से आया हुआ है उसको बदलना इतना आसान नहीं है और जिस क़ानून की जिम्मेदारी जिस नसीहत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है इन्ना नहनो नज़ल व इन्ना लहूल है फिजून कहा अल्लाह ने शुरे हिजर की आयत नंबर आठ पढ़ना घर में जाके अल्लाह ने कहा कि ये नसीहत जो कुरान की शक्ल में है हम इसे नाजिल कर रहे हैं और क़यामत तक इस नसीहत इस कुरान की जिम्मेदारी और इसकी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे अल्लाह ने कहा है कोई नहीं बदल सकता अल्लाह से दुआ है अल्लाह वाहद शरीक अल्ला जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक की फरमाए या अल्लाह यह मुल्क अमन का गहवारा था है और रहेगा मेरे पाक परवरदिगार लेकिन कुछ सरपसंद इस मुल्क के अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं या अल्लाह तेरे नाम लेवा हैं तेरे नबी की उम्मती हैं मेरे अल्लाह या ला उम्मती होने की लाज रख ले मेरे पाक परवरदिगार दिगार ए रहमान ए रहीम हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह या अल्लाह इन झालिमों का पंजा मरोड़ दे मेरे पाक परवरदिगार या अल्लाह जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या अल्लाह उन जालिमों से हिसाब ले मेरे पाक पर वर्दिगार या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है अल्लाह उनके इमलाक की हिफाजत फरमा मेरे पाक पर वर्दिगार या अल्लाह जो बच्चियाँ जहेज़ की लानत की वजह से बैठी हुई हैं या अल्लाह उनके लिए नेक और साले नौजवानों का इंतका फरमा के बग़ैर जोड़े घोड़े के नौजवान शादी कर ले मेरे पाक पर या अल्लाह जो बीमार हाल है उनको शिफाए कामिला आजिला ता फ़रमाए अल्लाह

बयानत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकुल्ला